मुंबई वर्सेस केकेआर, तो कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है? मुंबई के लिए अगर बात किया जाए तो हमेशा से पंटर की फेवरेट और हाउस की भी फेवरेट टीम है, क्योंकि ये जब जीतती है तब भी आपको रेट नहीं देती है, ऐसे भी बर्बाद करती है पंटर को, और जब हारती है तो हारती ही है। इतना ज़्यादा मार्केट लोड होता है, अभी भी 84-88 पैसा फेवरेट लगी हुई है, और बैक टू बैक मैचेस इस रेट से हार भी रही है। 80-90 का जब भी रेट खुल रहा है, यहाँ से मुंबई हार जा रही है। लेकिन अब क्या हो सकता है, वानखेड़े इनके होम ग्राउंड पर मैच है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ड्यू फैक्टर का एरिया है, काफ़ी ड्यू आता है और हाई स्कोरिंग वेन्यू है। 200-220 भी यहाँ पे सेफ नहीं माना जा सकता है, जिस तरह का डोमिनेटिंग बैटिंग दोनों के पास है, खास करके मुंबई का बात किया जाए तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट बैटिंग लग रहा है ऊपर नीचे। वही अगर केकेआर का बात किया जाए तो इनका बैटिंग ज़बरदस्त चल रहा है, और करेंटली ये अगर टीम का बात किया जाए तो सेकेंड पोजिशन पर, 9 मैच खेली है, 6 जीती है और 3 हारी है। इनका बात किया जाए तो करेंटली 9th पोजिशन पर है, ये 10 मैच खेल चुके हैं, और जिसमें से केकेआर अगर 3 हारी है तो ये सिर्फ 3 जीती है और 7 मैच हार चुकी है। और बात किया जाए अब इनको अगर क्वालिफाई करना है तो यहाँ से 4 मैच जीतना पड़ेगा, और तब भी वेट करना पड़ेगा कि दूसरी टीम इनको ऊपर क्वालिफाई करने दिया जाए, मतलब खुद अगर 4 मैच जीतते हैं तब भी क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि तब भी यहाँ पे इन 7 ही मैच जीतेंगे। कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए अगर 100% सिक्योर करना है जगह तो यहाँ पर आपको 8 मैच जीतना पड़ेगा। तो यहाँ से मुंबई का थोड़ा सा खेला ख़त्म होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन इस तरह की टीम जब खुद आउट हो जाती है तो दूसरे को भी आउट करना चाहती है। जो टीम अगर बात किया जाए पहुंचने वाली है, जिसका चांस बन रहा है, उसको आउट कर सकती है। बाकी मैं बता देता हूं, आज भी आपको एआरआर वर्सेस एसआरएच के मैच में जो बोला वही हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, सारे सेशन आपको खाली 6 ओवर का छोड़ के सब यस हुआ, 70 यस हुआ, 10 ओवर, फिर 125 यस हुआ, फिर आपको लंबी भी खुलते सब सेशन यस हुआ। मैंने बोला था कि जो मैं बता रहा हूँ कि ये हाई स्कोरिंग होगा वो हाई स्कोरिंग होगा, जो बोल रहा हूँ लो स्कोरिंग होगा वैसे ही होगा, जैसा सेशन बोल रहा हूँ वैसे ही सेशन कट रहा है। पूरा स्क्रिप्ट बता दूंगा इस वीडियो का भी कि इसमें क्या करना है। देखिए, इसमें आपको सेशन सिर्फ यस करने हैं, खुलता हुआ सेशन यस करिए, विकेट गिरता है नीचे आता है तो ये नहीं सोचिएगा विकेट गिरने पर सेशन नॉट, सेशन यस करके ही चलना है आपको इस वेन्यू पर, एकदम हाई स्कोरिंग वेन्यू और ड्यू फैक्टर प्रिवेलिंग वेन्यू है। प्लस अगर एंट्री का बात किया जाए तो पहले आप दोनों का ही माशाअल्लाह बॉलिंग है, तो जो टीम आपको 90 पैसे अपोनेंट फेवरेट खुलते हुए मिल जाए, 97 बोथ मिल जाए, लगा के आइए, 30-40 पैसा ही मिले बुक बनाइए, आधा लिमिट 0.6 लिमिट बने, उससे फिर अगर आपको रेट 20-30 पैसा मिल जाता है विकेट विकेट गिरने पे सेकेंड इनिंग के चेज में तो वहाँ पे खा के चलिए। क्योंकि यहाँ पे एवॉ पार अगर मारना पड़े तो 250+ मारने के बाद ही कोई चांस बनेगा, मतलब इतना रन मार दे ताकि वो रीच के आउट हो जाए, वो चेज ना हो पाए, तभी जाके कोई टीम के फर्स्ट बैट करने के बाद चांस बनेगा, नहीं तो सेकंड बैट को पूरा एडवांटेज है, ड्यू भर भर के आएगा, 220-230 भी सेफ नहीं है, रेट तो ला के देगा, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बात किया जाए तो मार्केट 39% मुंबई के साथ है और केकेआर 61%। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई के विरुद्ध, अब मुंबई से उब चुकी है, पंटर उब चुका है, मार्केट उब चुका है, इतना हड़वा दिया कि अब बोल रहा है कि ना हो गया, मुंबई जितना फेवरेट होना था हो गया, अब हम केकेआर के साथ रहेंगे। तो केकेआर को इस मैच में फेवरेट माना जा रहा है मेरे भाई, और मुंबई को सिर्फ 31% इस मैच में फेवरेट बोला जा रहा है कि वो मैच जीत सकती है। तो चलिए बात करेंगे कौन सी टीम जीतेगी, कैसे सेशन घटेंगे, और ड्रीम इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेटेड टीम भी बताई जाएगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 7:30 बजे वाला मैच है। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो मैच और सेशन के लिए, और 7428525767 पर कॉन्टैक्ट करो। आप लॉस में हो तो लॉस रिकवर होगा, सारा का सारा लॉस होता ही नहीं अगर आप मुझसे पहले जुड़े होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेवल काम दिया है, और अभी भी बहुत सारे मैचेस हैं, आप जुड़िए, सारा रिकवरी करवाने का कार्यक्रम हम करके देंगे, टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है। स्कैन करिए, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन होइए, फ़ायदा उठाइए। क्यों नहीं उठाना है, सेशन आता है, मैच आता है, रिपोर्ट आता है, नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है, तो आपका सारा होप हम लोग हैं अभी, खास करके मैं रिकवर करवाने के लिए। 30 डिग्री का टेम्परेचर, चांसेस हो रहे हैं, नेगेटिव ह्यूमिडिटी देखिए ऑलमोस्ट 65% है, तो ड्यू फैक्टर प्रिवेल करेगा ही करेगा, 8:30 बजे तक बजते तक यहाँ पे ड्यू आपको देखने को मिल जाएगा। हाई स्कोरिंग वेन्यू, एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 200+, इतना मारना पड़ेगा, और उसके बाद भी बॉलिंग बढ़िया करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों का बॉलिंग वैसा ही है। 115 मैचेस हुआ है यहाँ पे, जिसमें से 52 बार फर्स्ट बैट, 63 बार सेकंड बैट, 170 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस साल 200+, 220 का एवरेज मान के चलिए, 235 यहाँ पे हाईएस्ट और 67 यहाँ पे केकेआर का लोएस्ट है, 150 से नीचे 27 बार लगा है, 152-169 26 बार, 172-189 34 बार, और एवर 190 28 बार, मतलब ऑलमोस्ट 30 बार यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 20% के करीब करीब है। लास्ट मैच देखिए सीएसके 206 मारी,
और MI को रोक ली, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग बढ़िया कर दिया था पथी राणा ने, तो उस तरह के बॉलर इन दोनों के पास किसी के पास है नहीं, खासकर एक है बुमराह। तो बुमराह का ओवर थोड़ा सा संभाल के खेल ले रहा है, बाकी 16 ओवर भी तो चाहिए ना कोई अच्छा बॉलिंग करे, एक तरफ से साफ ही ख़त्म है, 16 ओवर ख़त्म ही मान के चलिए दोनों तरफ का, उधर नारायण है इधर बुमराह है, यही डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये भी चेंज हो जाता आराम से, कोई दिक्कत का बात नहीं था, ये सब टारगेट सेफ नहीं है इस दोनों के मैच में। 3 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर और 6 का 6 विकेट पेसर, 196 देखिए आराम से MI चेज की थी, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। 7 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर, 3 में से 2 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर, और स्पिनर्स को इस वेन्यू पे कोई मदद भी नहीं है, ड्यू फैक्टर प्रिवेल करेगा, रन के लिए जा भी सकता है, शॉर्ट बाउंड्री है। 234 देखिए यहाँ पे मारी, ये लास्ट ओवर का 32 रन नहीं खाता नोकिया, तो ये आराम से चेज हो जाता आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर 3 विकेट पेसर्स, 5 में से 2 विकेट स्पिनर्स, 8 में से 7 विकेट पेसर्स और 1 विकेट स्पिनर्स को नहीं मिला, तो आप देखिए कितना डिफरेंस है। लास्ट 3 मैच में 28 विकेट पेसर्स के पास है और 5 विकेट ही स्पिनर्स के पास है, तो पेसर्स आर क्लियर हेयर हु आर टेकिंग एडवांटेजेस, ठीक है। तो ड्रीमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर पेसर्स को पिक कर सकते हैं। टोटल मैच का बात किया जाए तो 32 मैच हुआ है इनके पास, इन दोनों के बीच में, और मुंबई खास करके KKR के विरुद्ध काफ़ी डोमिनेटिंग देखने को मिलती है। तो MI कल फैंसी कर सकती है क्या इस स्टैट्स को लेके? कुछ भी हो सकता है, 9 ही बार KKR जीती है और मुंबई अपने होम ग्राउंड पे KKR को तो जीतने ही नहीं देती है, जिंदगी में 1 बार KKR जीती है, बाकी 9 बार यहाँ पे मुंबई इंडियंस जीती है। ये देखिए इंडिया में भी 26 मैच हुआ है जिसमें 19 बार MI और KKR 7 बार जीती है, लास्ट 5 में तो थोड़ा उल्टा पल रहा है, 2 ही मुंबई जीती है और KKR 3 जीती है, मतलब रीसेंट ईयर में लास्ट 2 साल में यहाँ पे KKR का डोमिनेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार मुंबई 3 मैच हार के आ रही है, उससे पहले विन है, फिर लॉस है, यहाँ पे विन है, लॉस है, विन है, लॉस है, विन है, तो अब यहाँ पे तो इनका जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से तो लॉस होना चाहिए KKR का, लास्ट 5 में 3 जीती है और लास्ट 5 में 1 जीती है मुंबई, लेकिन इनका भी पैटर्न तो ऐसे ही चल रहा है, लगातार में हार विन है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है, पैटर्न तो KKR का है जो लॉस दिखा रहा है, हो सकता है। बाकी ये सब तुक्का भाजी, ये सब पे मत विश्वास करिएगा। बाकी ये टीम कंपैरिजन में देखिए, लास्ट 10 मैच में तो 30% मैच, यानी 3 मैच ही जीत के आ रही है मुंबई इंडियंस। 191 एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर है, 247 हाईएस्ट, 125 लोएस्ट है, और इनका देखिए तो लास्ट 10 में 6 मैच जीत के आ रहा है KKR, जो कि अच्छा है, और इनका एवरेज भी फर्स्ट बैट करते हुए 200 है, जो कि और अच्छा है मुंबई से, तो यहाँ पे क्लियर एडवांटेज KKR लेके जा रही है, इसलिए 61% फेवरेट भी है कल के मैच को जीतने के लिए। 272 हाईएस्ट और 137 लोएस्ट है। वेन्यू का बात कर लेते हैं तो इस वेन्यू पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टीम 10-10 मैच खेली, आप देख सकते हैं लास्ट 10 मैच का उठा के आंकड़ा बता रहा हूँ, जिसमें मुंबई 7 मैच जीती, मतलब होम ग्राउंड पे चली बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रह रहा है। 196 एवरेज है फर्स्ट बैट करते हुए, अच्छा है, 234 हाईएस्ट और 125 लोएस्ट है। इनका देखिए सिर्फ 3 मैच जीते हैं लास्ट 10 में, ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई एडवांटेज क्लियर लेके जा रही है, और एवरेज भी बहुत ख़राब है, इसको अच्छा करना पड़ेगा, एक बैटिंग सरफेस पे 157 कोई वैल्यू नहीं रखता है। 202 हाईएस्ट और 133 इनका लोएस्ट स्कोर है। सेशन टिप्स का बात किया जाए तो 56 या इससे जितना नीचे मिलते चले यस करते चलिए, अच्छा ऑप्शन रहेगा, खास करके आपको 51-52 तक भी यस हो सकता है, 91-10 ओवर में, 138 15 ओवर में और 198 20 ओवर में, इससे नीचे सेशन मिले यस करिए। बाकी सेकंड में 58 95 150 और 190 है, बेसिकली फर्स्ट इनिंग ही मैटर करता है तो उस पर फोकस करना है। प्लेइंग इलेवन का बात करें मुंबई की तरफ से तो ईशान किशन का भी फॉर्म सोसो है, रोहित का भी फॉर्म सोसो ही है, सूर्य कुमार भी एक मैच चलते एक मैच नहीं चलते, इनका तो पैटर्न ही है, लास्ट मैच नहीं चला, इस मैच कल चल सकते हैं, कैप्टन बना सकते हैं टू एंड में। तिलक वर्मा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, लास्ट मैच रनआउट हुआ मिस हुआ, ये तो ढक्कन ही है। निहाल वगैरह अच्छा बैटिंग कर रहा है, टीम डेविड भी सही है, मोहम्मद नबी को भी ऐसे ही ढोया जा रहा है, ना बॉलिंग ठीक है ना बैटिंग ठीक है, कोई से विकेट ले लेगा पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह, नुवान तुसारा। बाकी बॉलिंग में बात किया जाए तो बुमराह इज द बेस्ट ऑप्शन। इधर बात सक किया जाए तो फिलिप्स आर्ट फॉर्म में सुनील नारायण, वेंकटेश, श्रेयस, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह कल के मैच में चल सकते हैं, ऊपर भी आएंगे और अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। रमनदीप सिंह फिनिश कर रहा है, स्टार्ट पिटाएगा, सेशन यस कर सकते हैं इसके ओवर में। वैभव अरोड़ा ठीक बॉलर है, हर्षित राणा कुछ दिन से पिटाने लगा है ये भी, वरुण चक्रवर्ती अच्छा बॉलिंग करता है, और अंगरीश रघुवंशी इंपैक्ट प्लेयर में अच्छा प्लेयर है। इधर देखा जाए रोहित शर्मा तो लास्ट 3 मैच एकदम सोसो हो गया, 4-8-6, 36-105, बाकी 7-63-65-34-31 ये मिस आउट है रन आउट से, इसको कैप्टन बना सकता है, फॉर्म में है तिलक वर्मा। इधर देखिए 32-20-0-8-23 ये खेल सकता है क्योंकि ये स्लो सरफेस में यहाँ तक थोड़ा संभाल के पारी को लेके गया तो अच्छा खेल सकता है, ठीक है, विकेट नहीं गंवा रहा ऐसा में से ही। 10-26-10-78 और यहाँ पे 0 तो हो सकता है इस मैच में ये बड़ा खेल सकते हैं, इसलिए कैप्टन मैंने बोला है कि बना लीजिए। बाकी हार्दिक पांड्या को तो ड्रॉप ही करके चलिए, कोई मतलब नहीं है, बैटिंग से तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, 0-46-10-10-2-2-0-0-1-2 बॉलिंग अब कर रहा है, लेकिन हो सकता है इस मैच में पिटा भी जाए। 35-37-3-14-13 ये आपको फिनिश कर सकता है और घोड़ा प्लेयर भी है।
46, 4, 49, 61, 13 इसको पिक करिए ये फॉर्म में, ठीक है। विकेट गिरने के बाद ये संभाल सकता है पारी को। 1, 7, 23, 0, 4, 1, 1, 0, 0, 0 देखिए मोहम्मद नबी का कोई मतलब नहीं बनता डी मिलन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। कोविड से 1, 0, 3, 1, 1 हर मैच में विकेट निकाल लेते हैं, बाकी बेस्ट ऑप्शन तो बुमराह ही रहने वाले हैं। 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0 विकेट में बुमराह और कोविड से ये दोनों अच्छे ऑप्शन है। नुवन तो सारा ने लास्ट मैच में अच्छा बॉलिंग किया तो उनके साथ जा सकते हैं। बाकी फिलिप सॉल्ट 68, 78, 48, 10, 89 हर मैच में कंट्रीब्यूट किया, 10 रन का छोड़ दीजिए तो, बाकी भी 26, 36, 16, 8, 3 इनसे बेटर ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास। एज 15, 71, 10, 109, 6 बैट्स अगर कंट्रीब्यूट नहीं भी है तो विकेट हर मैच में, इसलिए ये वाइस कैप्टन कैप्टन के लिए ज़बरदस्त ऑप्शन है। इनका भी कुछ पैटर्न है, एक मैच फ्लॉप, एक मैच परफॉर्म, ठीक है। 33, 28, 50, 11, 38 ये भी ठीक फॉर्म में, विकेट गिरने के बाद संभल के खेल रहा है। बाकी रसल का बहुत दिन से बैटिंग नहीं आ रहा है और यहाँ पे मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये चलते भी नहीं, बुमराह इनको हर मैच में ले लेते हैं। डीएनबी 24, 27, 13 डीएनबी 0, 0, 3, 0, 1 ठीक है, इसको भी ड्रॉप करिए, इस मैच के लिए ठीक नहीं है। 6, 24, 1, 13, 2 रमनदीप सिंह फिनिश कर सकता है, ज़्यादा पॉइंट नहीं देगा। 11, 5, 24, 20, 9 ये परफॉर्म कर सकता है कल के मैच में, ऊपर आ सकता है और परफॉर्म भी कर सकता है। 1, 1, 0, 3, 0 क्योंकि अभी देख रहे हैं ना जिसको इसको अभी सिलेक्शन हुआ है सब ढक्कन हो गया है, बाकी जिसका नहीं सिलेक्शन हुआ वही परफॉर्म कर रहा है, सब दिखाएगा कि आपने गलती कर दी है, ऐसा होता है। 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9 विकेट है तो इनको पिक कर सकते हैं लास्ट पाँच मैच में। 3, 0, 1, 2, 1 ये अच्छा बॉलिंग कर रहा है, नारायण के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 2, 0, 2, 2, 2 हर्षित राणा इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन देन मिचेल स्टार्क। बाकी यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम देख सकते हैं, फिलिप सॉल्ट के साथ ईशान किशन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, हार्दिक पांड्या, बुमराह, चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। कैप्टन का बात करें तो सुनील नारायण को कैप्टन और वाइस कैप्टन, आंद्रे रसेल या दूसरे ऑप्शन में बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे तिलक वर्मा का फॉर्म अच्छा है तो इनको भी आप बना सकते हैं। ड्रीम इलेवन की अपडेटेड टीम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, फ्री में टीम आता है और बहुत अच्छा टीम आ रहा है। और 7, 4, 2, 8, 5, 2, 5, 7, 6, 7 पे कॉन्टैक्ट करिए, मैच और सेशन खेलना है, नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है, सारा लॉस रिकवर करवा के दूंगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैच और सेशन खेलना है। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।